नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसानों के आंदोलन का 21वां दिन, दिल्ली नोएडा बॉर्डर एक बार फिर किया गया ब्लॉक। किसान आंदोलन के बीच पीएम ने की अपील, कृषि कानून से नहीं डरे किसान। किसान संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा कानून वापस ले, सरकार संशोधन नहीं होगा स्वीकार। प्रदेश में स्कूल खुलते ही बड़ा कोरोना का खतरा, बीते दो दिन में 30 छात्र संक्रमित। और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की हालत गंभीर, मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब तक किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ये तमाम बैठकें बेनतीजा रहने के बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को आगे की चर्चा के लिए लिखित में जवाब दिया। किसान मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि वो उनके आंदोलन को बदनाम ना करें, और अगर बात करनी है तो सभी किसानों से एक साथ बात करें। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का गतिरोध पिछले 20 दिनों से जारी है। एक और किसान संगठन पीछे नहीं हट रहे, तो वहीं सरकार भी इतने दिनों से किसानों को मनाने की कोशिश में जुटी है। और इसी बीच एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आश्वासन देते हुए इस कानून को किसानों के हित में बताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष किसानों को डरा रहा है और भड़काने की कोशिश कर रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच एक और जहां दिल्ली नोएडा बॉर्डर को खोल दिया गया था, वहीं एक बार फिर से किसानों के उग्र आंदोलन को देखते हुए एक बार फिर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया है। किसान संगठनों ने सरकार को लिखित में जवाब देते हुए किसी भी तरह के संशोधन को ठुकरा दिया है। तो हरियाणा में स्कूल खुलते ही कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। स्कूल खुलने के दूसरे दिन ही हिसार में 26 छात्र, तो वहीं झज्जर और रोहतक में भी दो दो छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हिसार के संक्रमितों में एक अध्यापक भी शामिल है। दरअसल स्कूल खुलने के बाद चरखी दादरी जिले में दो दिन में 800 छात्र स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए सिविल अस्पताल गए, और इन सभी के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए। करीब 40 छात्रों में कोरोना के लक्षण नजर आने पर उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया है। कोरोना टीकाकरण की तैयारियों में जुटी केंद्र सरकार को प्रदेश की सरकार ने महत्वपूर्ण पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग रखी है कि पहले सांसदों और विधायकों का टीकाकरण किया जाए। सरकार ने पत्र में तर्क दिया है कि सांसद और विधायक जनप्रतिनिधि हैं, वो लोगों से मिलते रहते हैं, सरकारी स्तर पर भी उनके काफी काम होते हैं, इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए पहले उन्हें टीका लगाया जाना चाहिए। हालांकि इस पत्र में के सार्वजनिक होने पर विरोध के सुर अब उठने लगे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर बीते दिन प्रदेश के 5 निर्दलीय और एक जेजेपी विधायक ने बैठक की। बैठक के बाद 4 निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और किसानों के मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाने की मांग की। वहीं इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने चारों विधायकों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की जाएगी और किसानों का ये आंदोलन खत्म करवाया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की सेहत में सुधार नहीं होने की वजह से उन्हें पीजीआई से मेदांता रेफर कर दिया गया है और मेदांता में भर्ती करवाया गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते विज को पीजीआई में एडमिट किया गया था, जहां उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। कुछ दिन पहले विज कोरोना संक्रमित हो गए थे। खबर नरवाना से आ रही है, जहां पर एक जिंद से नरवाना आ रही एक बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी पर स्कूल के बच्चे सवार थे, जो इस घटना में घायल हो गए। स्कूटी पर सवार 3 बच्चों में से 2 की हालत बुरी होने पर उन्हें हिसार के जिंदल अस्पताल में एडमिट कराया गया। हरियाणा में क्वीन और देश भर की जानी मानी डांसर सपना चौधरी अक्टूबर में मां बनी थी। सपना चौधरी के पति वीर साहू ने सोशल मीडिया पर फैंस को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन इस कपल ने अब तक अपने बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा नहीं की थी। और इस बीच सपना चौधरी ने अपने फैंस को सरप्राइज देते हुए अपने बेटे की पहली फोटो शेयर की है, जिसमें वो अपने बेटे को गोद में ली हुई नजर आ रही है। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत।